आज बात करने वाले हैं एक फंडामेंटल ड्राइंग टेक्निक के बारे में, जिसमें हम आईज़ से शुरू करते हैं और आईज़ के पीछे कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे फंडामेंटल को समझेंगे, बेसिक से आउटलाइंस ड्राइंग को। तो ये मैंने इमेज ओपन कर ली है, अब इस इमेज को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करते हैं, जनरली हम लोग पेंसिल मेजरमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पेंसिल मेजरमेंट नहीं, पहले इस पार्टिकुलर आई को ड्रॉ करेंगे। तो इस आई को ड्रॉ करने के लिए जो आई का स्ट्रक्चर होता है ना, बॉल वाला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अख्तियार करेंगे। तो क्या किया मैंने, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया सबसे पहले, ठीक है। मतलब ये हो गया आई का सेंटर, ये जो आई बॉल है ना ब्लैक कलर का जो दिख रहा है अंदर, उसका ये सेंटर है, ठीक है। फिर वहाँ पर छोटा वाला जो आयरिस होता है और उसके अंदर जो बॉल होता है, लेंस जहाँ पे होता है, वो दोनों को ड्रॉ किया, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। और ये दोनों को ड्रॉ करने के बाद अब जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से चल रहे हैं। तो जस्ट बॉल को ड्रॉ किया है और बॉल को ड्रॉ करने के बाद फिर हम अपर आईलिड और लोअर आईलिड को ड्रॉ करेंगे। मुझे बात अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोगों को आर्ट समझने में, बेसिक से समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर उन्हें आर्ट बेसिक से समझनी है तो मेरे स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यूडीमी क्लासेस का भी लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। अब आते हैं ट्यूटोरियल पर वापस। जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये है 3B पेंसिल, और जो एक्सेस बनाए थे वही एक्सेस अब हमें मदद करेंगे इस आई को ड्रॉ करने में। तो ये एक अगेन एक डिफरेंट तरीका है, जो हम अभी तक करते आ रहे थे उससे अलग तरीका है। इसमें अब हम पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, मतलब अब इसे एक आई को ड्रॉ करेंगे और इसे एक आई को ड्रॉ कर लेने के बाद हम फिर उसमें आगे बढ़ेंगे और फिनिश करते हुए चलेंगे एक एक पर्टिकुलर पोर्शन को। तो यहाँ पे ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में अभी आई पे ही फोकस करेंगे पूरा का पूरा। और अगर आज ये तरीका आपको पसंद आएगा तो फिर हम इसी तरीके से पूरे पोर्ट्रेट को भी ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से ड्रॉ करने में ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि आप एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझ के ड्रॉ कर सकते हो और उसकी एनाटॉमिकल स्टडी भी साथ में कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें जो प्रपोर्शन है या जो कंपोजिशन है पेपर के ऊपर, वो डाउटफुल हमेशा रहता है। इसीलिए जनरली जो आर्टिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं पहले पूरे स्ट्रक्चर को, फेस के सारे फीचर्स को एक साथ पहले एक रफली एक आइडिया ले लें और फिर उसमें डिटेल्स को ऐड करें, ताकि अगर कोई करेक्शन हो खासकर प्रपोजिशन के बारे में या फिर कंपोजिशन के बारे में, तो उसको पहले ही रेक्टिफाई किया जा सके। इसमें क्या होता है, अब आपको पहले आई पूरी ड्रॉ कर लेनी है, पूरा फिनिश कर लेना है उसको, फिर आप दूसरी आई पे मूव करोगे तो चांसेस होते हैं गलत होने के, कि अगर दूसरी आई थोड़ी सी और इधर चली गई तो फेस जो है वो गड़बड़ हो सकता है, उस पूरे पेज के अंदर नहीं आएगा। बट एनीवेज़ अभी फोकस ये है कि आप स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर जो यहाँ पे जिस तरह से क्रिएट किया है वो आप समझने की यहाँ पे कोशिश करो। यहाँ पे इसको यहीं पे रोकते हैं। अब ये समझते हैं, देखो ये तो अपर लिड हो गई जो आई के ऊपर वाली, उसके ऊपर जो एक डार्क लाइन होती है ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं और क्या करते हैं, जो अपर आई लिड होती है उसी पे ही उसको मिक्स कर देते हैं। वहाँ के बीच में जो गैप है ना, वो बहुत क्रूशल गैप होता है, वो चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल में। तो ये चीज़ बतानी इसलिए भी ज़रूरी थी, अक्सर लोग बिगिनर्स खासकर उस जो बीच में स्पेस है ना उसको खा जाते हैं और वो अपर लिड को ही उसका पार्ट मान लेते हैं, तो बहुत ही वियर्ड सा लगता है। आई के फुल कंपोजिशन में वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो हमारा फोल्ड होता है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब देखो, अब मैं 4B पेंसिल के साथ आया हूँ और अब मैं आई के अंदर का जो पोर्शन है, जिसको प्यूपिल या फिर आइरिस, वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आइरिस मतलब जो बाहर वाला पोर्शन हो गया ब्लैक वाला, और एक जो बिल्कुल ब्लैक है अंदर, सबसे अंदर है, दैट इज़ प्यूपिल। तो उन दोनों को मैंने डार्क किया और अभी ये फर्स्ट लेयर है, तो अभी इसको पूरी तरह से डार्क नहीं करेंगे और लेयर को ऐड ऑन करेंगे और फिर जाके ये अच्छे से क्रिएट होगा। देखो, जैसे मैंने अपर लिड को डार्क किया, तो सिमिलरली मुझे अपर लिड के ऊपर जो एक डार्क लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे भी उतनी ही डार्कनेस शो करनी है। और फिर यहाँ पे हमने
जो लैशेज हैं, आई लैशेज हैं, उसको ड्रॉ किया। तो सारे जो नॉर्मल क्लेचर है उसको भी समझ लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जब हम शुरुआत में ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीचर्स सारे के सारे एज़ इट इज़ अभी मैच नहीं होते। जब हम इसको शेडिंग पे काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ मैच कराते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जो अपर लाइट के लिड के ऊपर जो मैंने आपको बताया था डार्क लाइन, देखो मैंने उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा उसको भी डार्क किया है। और इसी तरह से अब इसको डार्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस सेम है, वर्क उसी तरह करना है। सिमिलरली लोअर आई लिड पे भी बहुत सारे आई लैशेज़ होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर आई लिड में, बहुत ही कम मानूंगा इसको, नीचे वाले आई लिड पे जो आई लैशेज़ होते हैं, हेयर जो होते हैं, और उसको भी उतना ही डेलिकेट तरीके से ही ऑप्ट करना चाहिए। अब उसके नीचे जो लोअर आई लिड पे जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है, वो डार्क एरिया आपको ऑप्ट करना है, और बस आपको शेड्स वहाँ पे क्रिएट करनी है, डार्क शेड्स क्रिएट करनी है। ये सारा प्रोसेस दिखने में बहुत ही आसान लगता है, और बेसिकली ये है भी बहुत आसान। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो आपका प्रोसेस है वो आपका सही होना चाहिए, आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आपके सारी कुछ, ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्किलफुल तरीके से काम करते हो, शेडिंग में आप कितने स्किल्ड हो, और कितना आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने टूल्स को यूज़ कर पा रहे हो, इवन अपने फिंगर्स को, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शेडिंग की, जहाँ तक बात आती है। तो सिमिलरली मैं देखो, अब आई लैशेस के बाद मैं आईब्रोज़ पे आ गया हूँ, और आईब्रो में भी मैं एक लाइन ऑप्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है ये, लाइन को ऑप्ट करते हुए चल रहा हूँ, और छोटे छोटे जो हेयर हैं उसको पूरा क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली ये थी कि जब हम इसको ड्रॉ करना शुरू किए थे तो देखो, हमने पहले आउटलाइंस नहीं ड्रॉ की थी, हमने पहले एक्सेस ड्रॉ किया था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और फिर उस पर सर्किल ड्रॉ करके आई आई बॉल को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद जो बाहर के आई लैशेज वगैरह थे उसको ड्रॉ किया। तो ये एक अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल मैंने बताए हैं उसमें से ये काफ़ी डिफरेंट तरीका है। हालांकि जब हम पेंसिल मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हम पहले आई बॉल ही ड्रॉ करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये उससे सिमिलर है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक ही आई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने एज सच कुछ मेजरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, ये बिना मेजरमेंट के चल रहा है, केवल ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ जो मैं अपनी आई से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। और इसके अलावा कोई एज सच हमने इसको फ्री हैंड ही एक तरीके से कहूँ तो ड्रॉ हो रहा है, ये आप लोगों के जो फ्री हैंड की डेफिनेशन करते हो उस हिसाब से ये पूरा वैसे ही ड्रॉ हो रहा है, फ्री हैंड तरीके से। ये बात भी ज़रूर है कि ये तरीका, अगर आपको पूरा फेस ड्रॉ करना है, अगेन मैं बोलूँगा कि ये तरीका उतना एफिशिएंट है कि नहीं, या उतना आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों को ये तरीके भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्ट कर ले जाते हैं वो, कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होती है इसमें, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को समझ पाते हैं। अब मैं पूरे सराउंडिंग को भी देखो, एक ग्रे लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ, और उस ग्रे टोन के लिए मैं 3B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत हल्के से शेड कर रहा हूँ पूरे एरिया को। अब यहाँ देखो, मैंने फिंगर चूज़ किया और पूरा एरिया को डल कर दिया। तो अगर आप हैंड में कॉन्फिडेंट हो कि आपके हैंड्स वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं आता है पसीना, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, जो है ब्लेंडिंग को लेकर के। आप चाहें तो पेंसिल्स को ही यूज़ करके शेडिंग कर सकते हैं, इससे मैं अक्सर दिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशंस करने हैं वैल्यूज़ के, ग्रेडेशन वगैरह, तो आप ब्रश को यूज़ करो। यहाँ पे देखो, मैं एक थिन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये एक मेकअप ब्रश है, मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताता हूँ कि ये एक मेकअप ब्रश है, ये कोई वाटर कलर करने का ब्रश नहीं है, जो मेकअप में यूज़ होता है वो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इस तरीके से मैंने एक लेयर को पूरा ब्लेंड कर दिया। फिर अब मैं नेक्स्ट लेयर पे आ रहा हूँ, और फिर अब मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आई के अंदर के जो पोर्शन है अब मैं उसमें डार्क करना शुरू कर रहा हूँ वैल्यू को। फर्स्ट लेयर में कभी भी ड्रॉ डार्क नहीं करना, ये सजेशन है हमेशा ही, जो आपको सही चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, इसीलिए कि इस चीज़ पर बार बार एम्फेसाइज इसीलिए करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ जाओ कि क्या डार्क करना है क्या नहीं करना है। और जितने भी मेरे ट्यूटोरियल हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो ना, तो आप अभी तक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। मैंने जितने
आज तक बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं यूट्यूब पे, आई थिंक 500 600 700 कुछ, अभी वैल्यू तो याद नहीं मुझे, आप देखिएगा कितने वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। और मैं तो काम करने में बिलीव करता हूँ, तो मैं अपना काम करता जा रहा हूँ सिखाने वाला जो है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितना उससे ग्रैस्प कर सकते हो। मेरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश हमेशा करता हूँ, और वो मैं करता भी रहूँगा जब तक कि आप लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाओ कि हाँ अब मोस्टली सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। और आर्ट इतना बड़ा फील्ड है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ के साथ लर्न करते रहेंगे हमेशा ही, जैसे अभी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने और ऊपर वाले ने चाहा तो। अब यहाँ पे देखो, वैल्यूज़ को हमने काफ़ी डार्क कर लिया है, अब जो इनिशियल मेजरमेंट्स थे वो भी इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इमेज है, रियल इमेज है, उससे देख करके चीज़ों को फाइनलाइज किया जाए। मैंने इसको छोटे से सेगमेंट वाइज बांट दिया है, तो मैं सेगमेंट अभी केवल इतने सेगमेंट को ही फिनिश करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं सेगमेंट वाइज सेगमेंट भी दिखाया जाए, तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है जो आज तक मैंने यूज़ नहीं किया था। आप लोगों के ही सजेशन पे मैं इसको कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मैं आपको फिनिश करके दिखाता हूँ, जो मैंने स्क्वायर बॉक्स ऑप्ट किया वही वाला सेगमेंट बिल्कुल उसी के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, और अब सेकेंड लेयर पे और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ चीज़ों को, तो उसके लिए फिर से भाई थिन ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। अब मोस्टली जो पार्ट है वो फिनिशिंग का पार्ट है, और मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको पसंद आई होंगी। देखो नोज़ वगैरह पे भी थोड़ी सी मैंने हाइलाइट्स क्रिएट कर दी है, दैट इज़ अगेन नॉट द वेरी बिग थिंग दैट नीड टू बी एक्सप्लेन, वो सब आप अच्छे से समझ ही सकते हो। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है आपको इस सब्जेक्ट को समझाने की, कैसे हमने शुरुआत करी और अब मैं हम कहाँ पे फिनिश करके पहुँच चुके हैं। शुरुआत आपको याद हुआ किससे की, जस्ट टू लाइन से, और अभी ये देखो कितनी सारी ढेर सारी शेडिंग्स ग्रेडेशंस ईच एंड एवरीथिंग है, बहुत फिनिश्ड है, रियलिस्टिक है, हाइपर रियलिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है बॉस, क्योंकि आप सोचते हो कि वीडियोस तो हम देख ही रहे हैं, बिना सब्सक्रिप्शन के भी देख सकते हैं डेफिनेटली, बट चैनल को सपोर्ट, चैनल को जो मुझे जो अप जो मिलता है ना, एक बूस्ट मिलता है, मतलब मुझे ये देख करके कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, आगे मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोज़ भी मैं बनाऊँ। अभी देखो सराउंडिंग के कुछ एरिया को मैं इरेज़ कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए सेगमेंट कौन सा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।